हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक। मैं हूं परवीन और आज मेरे यहां कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो आज मुझे बनाना है बिरयानी। तो मैंने सोचा कि जब बना ही रही हूं तो क्यों ना रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने सबसे पहले ये है ब्रिस्ता, जो कि प्याज से बनता है, अनियन से। ये मैंने 6 अनियन लिया है और उसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करके इसे फ्राई कर लिया है ब्राउन होने तक, और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है जिससे कि ये क्रंची हो जाए। ये है 200 ml दही यानी कि कर्ड, और ये है 5 से 6 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने घर पर ही रेडी किया है। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और ये मसाले में है, ये है लौंग, 10-15 लौंग है, 4 बड़ी इलायची है, 8 से 10 छोटी इलायची, ब्लैक पेपर है 1 छोटे चम्मच, ये पोस्ते का दाना है 1 छोटा चम्मच, शाही ज़ीरा 2 छोटे चम्मच, ये नॉर्मल ज़ीरा है 1 चम्मच, क्यूमिन सीड, और ये है धनिया, खड़ा धनिया है ये, कोरिएंडर जो कि 2 छोटे चम्मच है, और ये बे लीफ है जो से 4-5 है जिसे मैंने तोड़ लिया है, और ये दालचीनी है, ये छोटा टुकड़ा जायफल, और ये जावित्री, और साथ में मैंने यहाँ लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि 2 चम्मच है, हल्दी है, कसूरी मेथी है, और ये थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट है ये, जो कि मैं ये जो चिली है मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। मेरे यहाँ तीखा कम खाते हैं तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप नॉर्मल मिर्च भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये है मसाले, इसे मैं करूँगी हल्का सा ड्राई रोस्ट, उसके बाद मैं इसे ड्राई ही पाउडर बनाऊँगी। बाकी ये मैंने इसे ऑलरेडी पीस करके रखा हुआ है। ये जो मसाले हैं ये हैं 2 kg चिकन के लिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। आगे का प्रोसेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके बाद से मैं उसको भी शेयर करते हैं। ये 2 kg चिकन है, और ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, खड़ा मसाला जो था, इसे मैंने हल्का सा तवे पर बस नमी निकलने तक मैंने इसे भुना है। ज़्यादा इसे भुनना नहीं है, ऐसा बस हल्का सा, ताकि गरम बस करना है, आप समझ लीजिए। उसके बाद इसे मैं चिकन में डाल रही हूँ, दही, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो मैंने प्याज भून करके रखा हुआ था उसमें से आधा प्याज मैं इसमें डाल दूंगी, और बाकी मैं आधा बचा लूंगी जब मैं चावल डालूंगी, तो चावल के साथ मैं उसे लेयर में डालूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, नमक को डालने के बाद इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है, ये ऑयल आपको दिख रहा है, ये अभी मैं ऑयल को मिक्स नहीं किया, बस मैंने अभी जस्ट इसे डाला है। ये ऑयल वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियन को फ्राई किया था, तो ये ऑयल डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1 घंटे रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे और ज़्यादा देर तक के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। अब मैंने चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है, और अभी मैं यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। पानी में मैंने सॉल्ट डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है जिसे क्यूमिन सीड बोलते हैं, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुछ तेज़ पत्ते यानी कि बे लीव्स, और कुछ 4-5 दालचीनी, और 4 बड़ी इलायची, और 4 छोटी इलायची, थोड़ी गोल मिर्च यानी ब्लैक पेपर, कार्डमम एंड क्लोव्स, ये लौंग है, मैं कुछ जो है इसे भी इस पानी में ऐड कर दूँगी, और पानी को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये पानी उबल जाएगा तब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी।
पानी अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल को ऐड कर दूंगी। चावल मैंने डाल दिया है। अब इस बर्तन को बिना ढके ही मैं इसे 70-80% कुक करूंगी। ये मैंने बासमती चावल यूज़ किया है बिरयानी के लिए। इसे बिना ढके ही पकाएंगे और चावल तभी ऐड करेंगे जब पानी पूरी अच्छी तरह से उबल रहा हो। अब इसे बिना ढके 70-80% तक कुक होने तक पका लेंगे। चावल ये 80% तक कुक हो चुका है। अब मैं, जैसा कि यहाँ आप दिख रहा है, अब मैं गैस को बंद करके इसे छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसे किनारे रखूँगी और उसके बाद मैं चिकन बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। ये है चावल, बिल्कुल खिले खिले से और कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें भी पानी में उबलते हुए डाल दिया था। और चावल आप देख पा रहे हैं, इसे ऐसे ठंडा होने देंगे, इसे बार बार चलाना नहीं है वरना चावल टूट जाएंगे। और ये है चिकन जो मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। और जिस भगोने में मैंने चावल बनाया था उसी में मैं अब हल्का सा मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और बाकी अब ये मैं चिकन डाल करके इसे अच्छे से पानी खुश होने तक पका लूँगी। चिकन मैंने ऐड कर दिया है, अब इसे चलाते हुए भूनना है जब तक ये जो इसमें पानी है ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। इसे चलाते हुए भूनते रहेंगे, तेल अलग हो जाए और पानी सूख जाए तब तक। चिकन पक रहा है, इसको भूनते हुए पकाना है। अभी इसमें थोड़ा ग्रेवी है, इसे हमें थोड़ा और ड्राई करना है। इसे चलाते हुए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा बार बार नहीं चलाएंगे, नहीं तो जिससे कि जो गोश्त है चिकन है जो उसके पीसेस टूट जाएंगे। ऑयल अलग हो रहा है, चिकन अब कंप्लीट हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। ड्राई हो चुका है लगभग, बिल्कुल ही ड्राई नहीं करना, हल्के हल्के, अब मुझे गीला ही थोड़ा चाहिए ताकि दम लगाने पे जले नहीं। अब जो चावल है हमारा, जो ये चावल है इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही जो मैंने फ्राई अनियन रखा हुआ था उसे मैं बीच बीच में ऐड करते जाऊंगी, चावल का लेयर बनाते जाऊंगी। चिकन का लेयर नहीं करूंगी मैं, चिकन पूरा इसी में रहेगा, इसके ऊपर मैं पूरा चावल डालूंगी लेयर बाय लेयर। और हर लेयर में अनियन, फ्राइड अनियन और जो मसाला मैंने बिरयानी मसाला जो तैयार करके डाला था इसमें, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी। ये चावल की एक लेयर मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब मैंने जो फ्राइड अनियन बचाया था वो डालूंगी और ये जो बिरयानी मसाला मैंने थोड़ा सा बचाया था उसको स्प्रिंकल करूंगी। इसी तरह से मैं फिर और चावल डालूंगी और फिर और अनियन डालूंगी, ऐसे ही मैं लेयरिंग कर दूँगी। मैंने 3 लेयर कंप्लीट कर लिया है, सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही। अब मैंने ये फूड कलर रेडी करके रखा हुआ है, ये येलो फूड कलर है, इसे डाल दूंगी इसमें। इसके साथ ही साथ मैंने ये रेड कलर भी रेडी, ऑरेंज कह सकते हैं इसे, ऑरेंज ये भी फूड कलर बनाया है, इसे भी मैं ऐड करूंगी इसमें। और साथ ही साथ में थोड़ा सा केवड़ा वाटर इसमें ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए दम पर करूंगी। बिरयानी रेडी है। अब इसे टाइम है इसे मिक्स करने का। मिक्स बिरयानी हो चुकी है मिक्स। इस तरह से मैंने ऊपर नीचे करके इसे मिक्स कर दिया है। अब टाइम है इसे सर्व करने का।
ये है बिरयानी, बहुत ही टेस्टी दिख रही है, इंशाल्लाह खाने में भी टेस्टी होगी। आप चाहें तो इसे इस तरह से अनियन के साथ, चटनी के साथ या फिर रायते के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला बना हुआ है ये। होप आपको पसंद आए।